कारगिल के एक जांबाज की सच कहानी। 10 मई 1980 को बुलंदशहर के अहिर गांव में जन्मे योगेंद्र कारगिल युद्ध के समय महज 19 साल के थे। उन्होंने अकेले 70 सैनिकों की पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी को धूल चटाई थी। योगेंद्र सिंह यादव के जैसे खून में वीरता थी। उनके पिता करण सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे, जो 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल रहे। 19 साल के योगेंद्र की 5 मई 1999 को शादी हुई। नई दुल्हन के साथ उन्होंने 15 दिन भी नहीं गुजारे कि जम्मू से वॉर में देश की सेवा करने का बुलावा आ गया। 20 मई 1999 को योगेंद्र जम्मू रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गए। योगेंद्र ने अपनी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 22 दिन तक चले इस युद्ध में शामिल रहे। उनकी बटालियन ने 12 जून 1999 को टोलोलिंग पीक पर तिरंगा लहराया। अब उनके सामने थी टाइगर हिल की चुनौती। योगेंद्र की अगुवाई वाली टुकड़ी ने टाइगर हिल के लिए 2 जुलाई को चढ़ना शुरू किया। तब शाम को 6:30 बज रहे थे। 3 दिन और 2 रातों की चढ़ाई के बाद वे ऊपर वाले बंकर तक पहुंच गए। दोनों तरफ नाले थे जिनके अंदर पाकिस्तानी सेना ने बंकर बना रखे थे। उन्होंने टुकड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। पाकिस्तानी सेना को लग रहा था भारतीय सेना की बड़ी फोर्स से लड़ाई हो रही है, लेकिन वे सिर्फ 7 जवान थे। 7 जवानों ने फायरिंग का ऐसा जवाब दिया कि उन्हें इस टुकड़ी की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं हो पाया। सातों ने 700 जवानों का दम दिखाया और 5 घंटे की फाइट के दौरान भारतीय टुकड़ी ने 8 पाकिस्तानियों को मार गिराया। भारतीय सेना के कितने आदमी लड़ रहे थे ये जानने के लिए आधे घंटे बाद पाकिस्तानी दल दोबारा लौटा। वे 70 सैनिक थे और भारतीय कुल 7। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वे इन पर टूट पड़े। इनके पास हथियार कम थे, नीचे से कोई सप्लाई भी नहीं थी, इसलिए ये पाकिस्तानी टुकड़ी के पास आने का इंतज़ार कर रहे थे जिससे करीब से उन पर वार किया जा सके। जैसे ही पाकिस्तानी थोड़े नज़दीक आए, भारतीय जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में योगेंद्र के सभी 6 साथी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने 35 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में योगेंद्र बुरी तरह घायल हुए थे। सिर से खून बहने की वजह से वे बेहोशी की हालत में थे, लेकिन आसपास के हलचल को अच्छे से समझ रहे थे। योगेंद्र ने मरने की एक्टिंग की और वहीं पड़े रहे। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के साथ बुरा बर्ताव करती है। योगेंद्र चाहता था कि वे हमारे साथ कैसी बदसलूकी करते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जवानों की डेड बॉडी पर दोबारा से गोलियां बरसाई। इतने से मन नहीं भरा तो डेड बॉडीज को अपने बूट्स के साथ रौंदा, फिर ढेर सारी गालियां दी। योगेंद्र पर भी फायरिंग हुई, उनके हाथ पैर और जांघ पर गोलियां डाली गई। राइफल उठाने के बाद पाकिस्तानी सैनिक पलटा और उसने योगेंद्र के सीने पर गोली चलाई। किस्मत से योगेंद्र की जेब में पर्स रखा हुआ था और पर्स में रखे सिक्कों की वजह से गोली उनके शरीर के अंदर नहीं जा सकी। उनके सिर से खून बह रहा था और बाएं हाथ लटका हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। योगेंद्र के सामने पाकिस्तानी अफसर इंडियन MMG पोस्ट को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे। अब योगेंद्र का मकसद अपनी पोस्ट को बचाना था। उन्होंने अपनी जेब में रखे हैंड ग्रेनेड को निकाला और पाकिस्तानियों की तरफ फेंका। अचानक हुए इस हमले में पाकिस्तानी घबरा गए। उन्हें लगा नीचे से बड़ी भारतीय फौज हमले के लिए आ गई है। एक ने कहा, अरे कोई हिंदुस्तानी जिंदा तो नहीं। लेकिन योगेंद्र ने अपने हमले की स्टाइल से ऐसा दिखाया जैसे नीचे से फायरिंग हो रही है। हैंड ग्रेनेड के हमले से पाकिस्तानी और भारतीय जवानों की राइफलें भी वहीं छोड़ दी। योगेंद्र का बाएं हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उन्होंने एक हाथ से राइफल उठाई और 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इस हमले से घबराए पाकिस्तानी भाग खड़े हुए और उन्होंने पलट कर यह तक नहीं देखा एक जवान उन पर हमला कर रहा है या पूरी फौज। योगेंद्र की यही दिलेरी टाइगर हिल पर जीत की नींव बनी। उन्हें डर सता रहा था कहीं पाकिस्तानी MMG पोस्ट पर हमला न कर दे। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को अलर्ट करने के लिए 500 मीटर घिसटते हुए नीचे आए। उनकी सूचना के बाद भारतीय सेना ने नया प्लान बनाया और एक ही रात में फतेह हासिल कर ली। 18 ग्रेनेडियर्स का हिस्सा रहे योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र मरणोपरांत स्टेटस के साथ दिया गया। घोषणा होने के बाद अधिकारियों को पता चला कि योगेंद्र शहीद नहीं हुए थे, वे जिंदा थे। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दिए गए जख्मों को भरने में 16 महीने का समय लग गया। वे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे यंग रिसिपिएंट हैं। सलाम योगेंद्र यादव को। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।